देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,992 नए केस सामने आए हैं, वहीं 393 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 32 मामले सामने आ चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 131 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 76,36,569 डोज दी गई हैं, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 131,99,92,482 डोज दी जा चुकी हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 32 केस दर्ज किए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और ये इस आंकलन का असर भी दिख रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 32 केस आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चों पर रोक लगा दी है। वहीं बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शनिवार को 22 नए मामले, रविवार को 25 नए मामले, सोमवार को 37 नए मामले, मंगलवार को 35 नए मामले, बुधवार को 22 नए मामले, गुरुवार को 18 नए मामले, शुक्रवार को 10 नए मामले और आज शनिवार को 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 85,071 से 85,082 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।